2022 में सुजुकी कंपनी ने अपनी एक ऐसी प्रोडक्ट को लॉन्च किया जो कि कम प्राइस के अंदर बहुत जबरदस्त फीचर्स दे रही थी। उस वक्त 29,50,000 रुपए के प्राइस के अंदर आपको कोई ऐसी गाड़ी नहीं मिलती थी जो कि आपको सिक्स एयरबैग्स देती हो, पार्किंग सेंसर्स देती हो, क्रूज कंट्रोल ऑफर करती हो, उसके अलावा एलईडी लैंप्स, प्रोजेक्टर लैंप्स और ऑटो लेवलिंग लैंप्स ऑफर करती हो। तो सुजुकी कंपनी ने अपनी एक ऐसी प्रोडक्ट को लॉन्च किया जिसका नाम सुजुकी स्विफ्ट है। 2022 में ये न्यू जनरेशन लॉन्च की गई थी। पहले सुजुकी स्विफ्ट की ये जनरेशन आया करती थी। जब इस गाड़ी को लॉन्च किया गया तो ये गाड़ी काफी सेल हुई। वजह ये थी कि इस गाड़ी के फीचर्स, इस गाड़ी की लुक्स और इस गाड़ी के इंटीरियर के जो फीचर्स है वो नॉर्मल गाड़ी से काफी अलग। ये गाड़ी इस वजह से काफी सेल हुई क्योंकि ये कम प्राइस के अंदर काफी ज्यादा फीचर्स ऑफर करती है, क्योंकि स्विफ्ट ब्लैक कलर के अंदर बहुत कम आपको मिलती है। तो ये गाड़ी ब्लैक कलर ऑप्शन के साथ है और ये गाड़ी अवेलेबल है बीआर ऑटोमोबाइल्स पे। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है, इस गाड़ी को बाय करना चाहते हैं, तो आप बीआर ऑटोमोबाइल्स पे विजिट कर सकते हैं। मेन खाली बिन वली रोड कराची में लोकेटेड है। ये 2022 का मॉडल है, फुल ऑप्शन गाड़ी है और इस गाड़ी की जो कि डिमांड की जा रही 44,50,000 की जा रही है। आप विजिट करके यहाँ पे मजीद डिटेल्स ले सकते। इंजन की तरफ आ जाए तो इस गाड़ी के अंदर 1200 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया जाता है। 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे सकता है। आ जाते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल पे, तो इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल से लुक्स काफी लग्जूरियस आ जाती है। जैसा कि फ्रंट पे ब्लैकआउट ग्रिल मिलेगी, सुजुकी लोगो क्रोम की फिनिशिंग में मिलेगा और यहाँ पे भी फ्रंट पे एक स्ट्रिपिंग क्रोम की मिल जाएगी। इस गाड़ी में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाएगी और डीआरएल एलईडी फंक्शन में मिल जाते हैं। ये गाड़ी फॉग लैम्प्स भी ऑफर करती है। साइड प्रोफाइल से गाड़ी की लुक्स को देखे तो वो काफी इंटरेस्टिंग आ जाती है। वजह यह है कि ये गाड़ी के अंदर आपको 16 इंचेस अलॉय व्हील्स मिलते हैं। पहले आपको सीडान्स में भी 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते थे, लेकिन आपको हैचबैक व्हीकल में सुजुकी ने 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स दे दिए। यहाँ पे ब्लैक और सिल्वर कलर में अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। 16 इंचेस के मिलते हैं। वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक, एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, एबीएस, ईबीडी ब्रेक सब फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। इस गाड़ी में ऑटो डिट्रेक्टेबल है जिससे बस साइड मिरर्स मिल जाते हैं, जिसमें एलईडी में टर्न इंडिकेटर भी मिलता है। क्रोम डोर लेशेस मिलेगा जिसमें स्मार्ट एंट्री का सिस्टम भी ऑफर किया जाता है। रेयर एंड से गाड़ी की लुक्स को देखे तो वो भी काफी अग्रेसिव आ जाती है। जैसे कि अगर आपने पुरानी स्विफ्ट देखी होगी वो काफी नॉर्मल सी लुक में आती है, लेकिन अगर आप ये वाली स्विफ्ट देखते तो इसकी काफी लुक्स भी अग्रेसिव आ जाती है। बेसिकली इंटरनेशनली इसकी एक और जनरेशन या तो एक फेसलिफ्ट आ चुके, उसके हेडलैम्प्स आपको चेंज मिलते हैं और इस गाड़ी में एडास भी ऐड कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान में भी इस गाड़ी में एडास नहीं मिला। रे बम्पर पे भी पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। एलईडी टेल लैम्प्स आ जाते हैं इस गाड़ी में। रे वाइपर भी मिलेगा, डिफोगर मिलेगा और हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प मिल जाते हैं। ये गाड़ी रे कैमरा भी ऑफर करती है। ट्रंक को ओपन करते तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकली बटन मिल रहा है जिससे ट्रंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ट्रंक सेपरेटर इंटीरियर इस गाड़ी का ब्लैक क्रोम के साथ आता है और काफी स्पेशियस है ये गाड़ी पुरानी वाली स्विफ्ट से। इंटीरियर इस गाड़ी का कम्प्लीटली ब्लैक आउट मिल जाते हैं और इस गाड़ी के इंटीरियर पे भी क्रोम का यूज किया हुआ काफी ज्यादा नजर आता है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले स्टेयरिंग व्हील की तरफ आए तो ये लेदर स्टिच मिलेगा, डी शेप के अंदर मिलेगा, काफी स्पोर्टी फिनिशिंग लगती है और ये मल्टी फंक्शन मिलता है। लेफ्ट साइड में मल्टीमीडिया स्क्रीन के कंट्रोल मिलेगा, यहाँ पे भी क्रोम की ट्रिमिंग नजर आएगी। राइट साइड पे देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एक हैचबैक व्हीकल के अंदर क्रूज कंट्रोल मिला था 2022 के अंदर। हैचबैक व्हीकल्स पाकिस्तान में और स्पेशली सुजुकी की व्हीकल्स आपको पाकिस्तान में फीचर्स तो बिल्कुल भी नहीं देती थी, लेकिन जब ये वाली गाड़ी लॉन्च हुई तो इस गाड़ी के अंदर आपको इतने फीचर्स मिल गए कि हम लोग भी कहते थे कि भाई 27-28 लाख के अंदर आपको एक नॉर्मल गाड़ी कौन से फीचर्स ऑफर करती, ना ही नॉर्मल गाड़ी आपको कोई मिलती है। तो ये स्पेसिफिक गाड़ी में ये तक के ऑटो लैंप्स भी मिलते थे जो कि डे एंड नाइट को सेंस करके ऑन या ऑफ हो जाते। क्रूज कंट्रोल मिल रहा था, पार्किंग सेंसर्स मिल रहे थे, ट्रैक्शन कंट्रोल आ रहा था। उसके अलावा ये इसके हेडलैम्प्स को हम लेवल भी कर सकते थे, ऑटो लेवलिंग का फीचर भी दिया जा रहा था इस गाड़ी में। एक विंडो सिंगल डे फैसिलिटी के साथ मिल जाती है, सेंट्रल लॉकिंग और यहाँ पे रिट्रेक्टेबल मिरर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। इस गाड़ी में मिरर्स भी आपको ऑटो रिट्रेक्टेबल एडजस्टेबल मिल जाते। स्पीडोमीटर की तरफ आ जाए तो स्पीडोमीटर यहाँ पे 220 किलोमीटर पर आकर मिल रहा है। सेंटर पे एक टीएफटी स्क्रीन मिल रही है जहाँ पे काफी ज्यादा कंट्रोल आपको मिल जाएगी। सेंटर पे डिजिटल गाड़ी स्पीड भी शो करती है और आरपीएम गेज और फ्यूल गेज, हीटिंग गेज वगैरह चीजें इसमें मिल जाती है। आप इस गाड़ी की थोड़ी सी हाइट देखें तो हाइट इस गाड़ी की थोड़ी सी ज्यादा है। अगर हम इंटीरियर में बैठे हैं तो हमें महसूस हो रहा है, बाहर हम जब खड़े थे गाड़ी के पास तो हमें इतना ज्यादा महसूस नहीं हो रहा था। अभी हाइट इस गाड़ी की काफी ज्यादा लग रही है और अगर आप आगे रूफ की साइड देखें तो काफी बाहर की तरफ। इंटीरियर पे रूम स्पेस हम लोग देखें तो इस गाड़ी में इंटीरियर पे रूम स्पेस काफी ज्यादा मिल जाती है। जैसे कि अभी सीट को हमने पूरा बैक पे नहीं किया, अगर मैं पूरा पीछे करूंगा फिर आप इस गाड़ी की रूम स्पेस चेक करना से भी ज्यादा हो जाएगी। डुअल एयर वेंट्स आ जाते हैं, बॉर्डर्स पे क्रोम की ट्रिमिंग मिल जाती है, यहाँ पे एक मल्टीमीडिया स्क्रीन दी जा रही है जो कि एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करती। यहाँ पे हम देखें रिवर्स कैमरा कुछ, तो रिवर्स कैमरा आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। डायनेमिक गाइडलाइंस तो नहीं ऑफर की जाती इस गाड़ी में, बाकी आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। इसमें कुछ इस तरह से एंड्रॉइड ऑटो वगैरह का फीचर भी ऑफर किया जाता है, जैसे कि अभी तो ये एंड्रॉइड स्क्रीन है, एप्पल कारप्ले नहीं वैसे तो मिलता, ओरिजिनल टीवी है ये वाला तो एप्पल कारप्ले इसमें नहीं मिलता, लेकिन एसडी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे माइक्रोफोन ऐड हो जाते हैं,
बाकी नेविगेशन हर चीज़ ऑफर की जा रही है। यहाँ पे डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है जो कि सिंगल जोन मिल रहा है, यहाँ से जिस तरह हम इसके टेम्परेचर को एडजस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से एयर फ्लो की स्पीड को हम लोग अप एंड डाउन कर सकते हैं। अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पे 12 वोल्ट का लाइट पोर्ट आ जाएगा, यहाँ पे एक कंपार्टमेंट मिल जाएगा, डुअल कप होल्डर्स आ जाते हैं। इस तरफ देखें तो यहाँ पे ऑटो ट्रांसमिशन गियर बॉक्स मिलता है जिसके बॉर्डर्स पे सिविलर की ट्रिमिंग मिल जाएगी, PR&DL वगैरह की ऑप्शंस दी जा रही है। हैंड ब्रेक इस तरफ आ जाती है, सीट्स इस गाड़ी में फैब्रिक की मिल जाती है। सेफ्टी फीचर्स की तरफ आ जाए तो आप इस गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स काफी ज्यादा मिल जाते हैं। पहले जब पाकिस्तान में गाड़ियों को लॉन्च किया जाता था सिर्फ आपको एक गाड़ी में इंजन लगा के दिया जाता था, कोई फीचर्स नहीं मिलते थे, स्पेशली सुजुकी कंपनी और टोयोटा कंपनी तो ये करती थी। लेकिन अब टोयोटा कंपनी ने भी एक स्टेप उठाया, उन्होंने जब देखा कि पाकिस्तान के अंदर चाइनीज गाड़ियों के अंदर काफी फीचर्स मिल रहे तो हम पीछे कैसे रहे, तो इस तरह टोयोटा कंपनी, सुजुकी कंपनी, होंडा कंपनी इन सभी गाड़ियों में फीचर्स देने लग गए। तो ये वाली गाड़ी के अंदर अगर सेफ्टी फीचर्स को देखते तो इसमें 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, रे पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, ABS ट्रैक्शन स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे ऑटो लैंप्स का फीचर भी एड ऑन मिलता है। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है वीडियो देखने के बाद तो आप कॉन्टेक्ट करके इस गाड़ी की डिटेल्स मजीद ले सकते हैं। ये गाड़ी 2022 का मॉडल है, इस गाड़ी की डिमांड 44,50,000 की जा रही है और ये ब्लैक कलर के साथ है और माइलेज अगर मैं आपको बता दूं तो ये गाड़ी तकरीबन 27,000 किलोमीटर ड्रीवन है। तो ये गाड़ी आपको 27,000 किलोमीटर ड्रीवन मिलती है और 2022 की गाड़ी है, 2022 की रजिस्टर्ड है और ब्लैक कलर के साथ है। ब्लैक कलर पाकिस्तान में बहुत वैसे तो कम अभी नजर आते हैं। तो अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है तो आप विजिट कर सकते हैं BR ऑटो मोबाइल्स पे, मेन खालिद बिन वली रोड कराची में लोकेटेड है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।